गुड मॉर्निंग फैन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप भी बहुत अच्छे हैं। और देखो, 7 बजे आज सो के नहीं उठी थी, संडे था ना, तो हम इसलिए नहीं उठे थे क्योंकि करना क्या है, थोड़ा मेरे स्टोर रूम ना साफ करना चाह रही थी आज। एक बार ही झाड़ू पोछा हो जाता है, इसलिए नहीं। इनको भी जानना नहीं था कि क्या करेंगे, आराम से उठेंगे तो जल्दी आज नहीं है। तो हम करते पहले सफाई। तो जैसे यहाँ संडे था तो मैंने सोचा स्टोर रूम साफ कर देती हूँ। पता है मेरा ना एक साइड का कुंडल भी निकल गया, कहीं पता ही नहीं चला। वीडियो भी बना रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कुंडल कहाँ चले गया। अब वीडियो जब एडिट कर रही थी ना तब देखा, फिर मैंने वो तो मेरे बिस्तर में ही मिल गया बाद में। और जो बहनें मेरी कमेंट में पूछ रही हैं कि तुम्हारी चोट कैसी है, तुम ठीक हो, तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरे जो हाथ में थी थोड़ा, उसमें अभी थोड़ा है दर्द, अभी 10%। और जो मेरे कूल्हे में लगी थी उस पर खुरंड जम गया है, बाकी सब सही है और सब ठीक है। तो ज़्यादा चिंता ना करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इस बात की चिंता करो कि सब्सक्राइबर बढ़वाओ। एक मेरी बहन है 14 क्लक रहती और एक सुपर लाइफ स्टाइल वाली, वो बहुत चिंता कर रही है। वो बार बार पूछ रही है कैसी हो कैसी हो। तो मैं ठीक हूँ भाई, अब मैं ठीक हूँ। देखो ठीक हूँ तभी मैं इतना काम भी कर रही हूँ ना। ये हमारे पति देव आ गए हैं, कह रहे थे मैं कर दूँ। मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी, आप जाइए। तो मैंने ले ली इनसे झाड़ू और मैं खुद करूँगी अब। ये बोल रहे थे कितना सामान इकट्ठा कर लिया है तुमने, इतना तो था भी नहीं मेरे पास। मैंने अभी तो हुआ ही कहाँ है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। और मैंने इसमें सब में पोछा लगाया, पोछा का कपड़ा मारा है सब में। और क्या अभी क्या गिरा, सामान सारा पड़ा था। टैक्सी वाले अंकल आए थे ठीक करने वाले, मुझे हरिद्वार में पता नहीं है कि टैक्सी ठीक करने वाला कहाँ है। तो मैं आज बड़ी मुश्किल से आए बेचारे मेरे लिए, तो 20 रुपये का हुई है लेगा ठीक कर देगा। चका चक कर दिया है बढ़िया। ये लाइट नहीं जल रही है कम ऐसी, बस ओछा ओछा भी सब में लग गया है। देखो मम्मी नहा के आ गए हैं पर अभी बाल वाल नहीं बनाए क्योंकि बिंदी नहीं है। तो हम पहले बाल बाल बना लेते हैं, उसके बाद हम मैगी बनाएंगे। कुत्ते की रोटी रखी है हमारे कुत्ते की, मैंने सारे देखो ये सारे ना मैंने कपड़े धो दिए हैं। दीपावली की सफाई शुरू हो गई है और फ्रिज कवर वगैरह सब धुल गया है देखो है। और बस अब जो रह गया है थोड़ा और भी भिगो रखे हैं अभी धुलने हैं। पर जैसे कि आज संडे था, छुट्टी थी, पर फिर भी उनको ऑफिस बुला लिया था। अब ऑफिस बुला लिया तो अब खाना नहीं खाया था हमने, 1:30 बज गए हैं, इंतज़ार कर रही हूँ आएंगे तो। उसकी तैयारी हुई से मैंने दाल बना तो ली है पर फ्राई नहीं किया है, चावल भी नहीं बनाए थे, अब रखे हैं बनने के लिए। देखो जो दाल फ्राई करने की तैयारी है और ये चावल बनने हैं मेरे। खीरे वीरा सब काट के रख लिया मैंने, इसीलिए जैसे आएंगे खा लेंगे क्योंकि खाना खाया नहीं है, भूख तो लगी होगी उनको भी, काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। बोल के तो गए थे 1 घंटे, आधे घंटे बोल रहे थे, फिर मैंने कहा 1 घंटे में तो चलो फिर भी आ जाना कोशिश करके। तो वो तो 1 क्या 2 ढाई ढाई घंटा में भी नहीं आए वापस।
और अब हम दाल फ्राई कर लेते हैं, फिर थोड़ा लेटते हैं क्योंकि अभी हमारे और भी कपड़े हैं वो थोड़ा देर से धोंगे, अभी भिगोए हैं वो थोड़ा फूल जाएंगे। और कुछ कल तो धुलेंगे नहीं ना, कल वो है होली अष्टमी तो कल वो वाला काम नहीं होता है सफाई वाला, इसलिए। हाँ डिसाइड कर लेंगी अब वीडियो तो अभी स्टार्ट हुई है। आपको। हम आ रहे हैं मार्केट से राशन सामान लेके सारा घर का, जबकि वीडियो को हमारी अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मुझे लगी थी ठंड तो मैंने शॉल भी ओढ़ा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है क्योंकि वहाँ की आवाज़ आ नहीं रही है थी ना, वो हो रहा था गड़बड़। आने में हमें काफ़ी टाइम हो गया था बाजार से, मैंने तो फिर भी शॉल लेके गई थी, इनको तो ठंड लगी है, ये वैसे ही गए हीरो बन के। प्लीज़ वीडियो को यहीं करते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, जय हिंद जय भारत।